ललितपुर में जहां एक ओर सरकार द्वारा पिछले 3 माह से संचारी रोगों पर नियंत्रण और रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है और जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संचारी रोगों से संबंधित की जा रही बैठकों में भी रोकथाम के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनपद में अब तक मील डेगू के 30 मरीजों ने संचारी रोगों के रोकथाम के उन दावों की पोल खोल दी है जिन पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कोतवाली महरौनी के स्थानीय कस्बा अंतर्गत मास्टर कॉलोनी मोहल्ला में देखने को मिला, जहां एक बार फिर डेंगू बुखार जैसी घातक बीमारी ने दस्तक दी। इस मोहल्ले में निवास करने सैफपुर निवासी राजू राजा राम ट्रेवल्स के मालिक के साथ एक अन्य परिवार के 3 बच्चे कुछ दिन पहले डेंगू की बुखार की चपेट में आए थे, जिनका ग्वालियर और कानपुर में उपचार चल रहा है। मास्टर कॉलोनी में डेंगू बुखार के ये कोई नए मामले नहीं हैं, बल्कि हर साल इस मोहल्ले में डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज सामने आते रहे हैं। पिछले 3 साल पहले इसी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक की डेंगू बुखार के चलते मौत हो गई थी और जब एक बार फिर डेंगू बुखार की चपेट में आई इस मोहल्ले के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। इस मामले में अभी तक जनपद के डेंगू के मरीज की संख्या 30 हो गई है, जबकि गत 8 सितंबर को जनपद में मिली डेंगू के मरीजों की संख्या मात्र 2 थी, जो कि ब्लॉक जखौरा के अंतर्गत ग्राम नदनवारा में पाए गए थे। इसके बाद एक मरीज ग्राम रजवारा में पाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जनपद में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही व रोग नियंत्रण अभियान और अन्य अभियानों पर सवाल खड़े हुए हैं। जांच की गई है, क्या व्यवस्था है? वैसे जनपद में जो भी डेंगू के केस है, यहाँ से यदि हम कोई सैंपल भेजते हैं मेडिकल कॉलेज झांसी, वहाँ से एलाइजा टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो वहाँ से रिपोर्ट भी आती है। जो पॉजिटिव आते हैं तो हमारे यहाँ जो लगभग 24 केस के आसपास वहाँ से रिपोर्ट आई है मेडिकल कॉलेज झांसी से जो पॉजिटिव निकले हैं, और जो एलाइजा टेस्ट है उसी को पॉजिटिव माना जाता है। जो कार्ड टेस्ट यहाँ है वो फाल्स पॉजिटिव आते हैं और उन्हीं की रिपोर्ट में हम लोग करते हैं। इस प्रकार 24 जो केस हैं सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं, माने कोई ऐसी खराब रिपोर्ट नहीं आई है। पॉजिटिव आने के बाद सब स्वस्थ हैं और इनका ट्रीटमेंट भी मेडिकल कॉलेज झांसी में और हमारे यहाँ हुआ था, और इनका जो ट्रीटमेंट इनके गांव जाके हमारी टीम ने निरोधात्मक कार्रवाई करा दी गई है। जो भी फॉगिंग करना पड़ता है, ब्लड स्लाइड लेना पड़ती है, फीवर के केस देखना पड़ते हैं, उनकी स्लाइड बनाना पड़ती है, जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है सब जगह करा दी गई है 24 जगह।